अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो नए यूट्यूबर बहुत ज्यादा करते हैं। नंबर 1 पे है, आप ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनकी कोई परवाह ही नहीं करते। आप बस देखा देखी में वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि यार ये वाली वीडियो वायरल हो गई, इनकी लाओ हम भी यही बना ले। अरे यार ये बहुत अच्छी वीडियो है, लाओ ये वाली हम बना ले। तो ऐसे नहीं होता भाई। आपने देखा होगा मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया है कि आपको कैसी वीडियोस बनाना है जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है किसी की। अगर आप प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहे हैं, किसी को कोई समस्या है, किसी को दर्द है, दुख है, तो वहां से आप अगर निकाल रहे हैं, बाहर लेके आ रहे हैं, किसी के पेन को प्लेजर में बदल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी सक्सेस है, आपका ग्रोथ है, आपका स्केल करेगा यूट्यूब चैनल, वरना नहीं करेगा। आप अपने बारे में बताते हैं, इंट्रो देते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं स्टार्टिंग में, आपको ये सब नहीं करना हो। आप देखते हैं आपने एक वीडियो डाली और आपने देखा यार व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आपने क्या करा, आपने खट से चेंज कर दिया, आपने कहा अब हम दूसरे टॉपिक पे बनाएंगे। फिर आपने देखा यार इस पे भी व्यूज नहीं आ रहे, फिर आपने चेंज कर। तो ये जो गलती है ना कि बार बार आप अपना निश बदल देते हैं। आपको एक निश, एक टॉपिक पकड़ के चलना होता है, बार बार आपको चेंज नहीं करना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं ये देखता हूँ कि बहुत गलती करते हैं। शुरुआत में मैंने भी यही बहुत गलती की। मैंने देखा, मैंने वीडियो बना के डाली, मैंने देखा यार ये चल नहीं रही है, मैंने कहा हटाओ अब दूसरा टॉपिक, फिर मैंने दूसरा टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक। तो इससे क्या होता है, इससे लोगों को और जो यूट्यूब एल्गोरिदम है उसे पता ही नहीं होता कि भाई साहब इनका चैनल है किस टॉपिक पे। आपका चैनल देख के पता ही नहीं चल पाता कि आपका चैनल है क्या, किस चीज का है। आपकी खिचड़ी है, सब मिक्स सब्जी बनी हुई है, पता ही नहीं उसमें कौन सी क्या चीज है। तो खिचड़ी ना करें, आपको सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक लेके चलना होता है। आप स्टार्टिंग में जब भी करें तो एक निच पकड़े, बस आपको ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जो पब्लिक देखे। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको सर्च करना होता है। तो इसके लिए आप टॉपिक सर्च कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, या हमारा सोलमेट कौन होता है, किसे कहते हैं, सोलमेट के ऊपर अगर आप वीडियो बना रहे हैं लाइफ पार्टनर के ऊपर, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सिंपल सर्च करना है वीकली और व्यूज पे क्लिक कर देना। तो आपके सामने ये बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारी ये सर्च खुल के आ जाएंगे, यहां से आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप यहां से टॉपिक देखकर इसी से सिमिलर बना सकते हैं और सेम कीवर्ड यूज करें अपने टाइटल में भी। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी वीडियो यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करेगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे। जब व्यूज आएंगे तो सब्सक्राइबर्स आएंगे, तो व्यूज और इनकम मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, वॉच टाइम सारी चीजें यहीं से बढ़ेंगी। नंबर 2 है रॉन्ग यूट्यूब इंट्रो। छोटे यूट्यूबर्स इस बात को नहीं जानते। अगर आप व्यूअर्स रिटेंशन चाहते हैं तो आपको पहले 10 सेकंड में ही छा जाना है। आपसे एक मेरा सवाल, आप बताइए व्यूअर्स कितनी देर में डिसाइड करते हैं कि इस बंदे की वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी, इस यूट्यूबर की इसकी वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी, सामने वाले की। वो 10 सेकंड में डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को सुनना है कि नहीं सुनना है, इसकी वीडियो देखना है कि नहीं देखना है। तो 10 सेकंड में ही आपको अटेंशन ग्रैब करनी होती है, 10 सेकंड में ही आपको छा जाना होता है। पहला 10 सेकंड ही आपकी की है, पहले 10 सेकंड में ही बता दें कि आपकी वीडियो किस बारे में है और आप क्या करने वाले। अगर आपका गेमिंग चैनल है तो आपको शुरुआत में ही आपको अपनी वीडियो में जो सबसे ज्यादा इंटेंस सीन है उसी से शुरू करना चाहिए। अगर आप व्लॉग बनाते हो तो आप सबसे खूबसूरत बीच के शॉट से शुरू करना चाहिए और सवाल भी पूछते रहना चाहिए कि आपको कुछ दिखा, आपको कुछ मिला, आपने कुछ देखा, आपने कुछ नोटिस किया। 10 सेकंड्स में ही आपको अपने व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब करनी होती है और होल्ड करके रखनी होती है। व्यूअर्स के सामने ऐसा सस्पेंस भी क्रिएट कर दीजिए कि उन्हें आइडिया ना होने पाए कि आगे क्या होने वाला है, ताकि वो आपकी वीडियो में रुके बैठे रहे, देखते रहे कि आप क्या होगा नेक्स्ट। एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया ताकि वो आपकी पूरी वीडियो देखे। शुरू करने से पहले आज के विनर्स हैं दीपेंद्र टेक, टेक्निकल शिवम सपोर्ट, थैंक यू फॉर सपोर्ट। मैं हमेशा रैंडम शॉर्ट आउट सब्सक्राइबर में से ही लेता। इन भाइयों को सपोर्ट करें, इनके चैनल को प्रमोट करें, इनके चैनल को ज्यादा ज्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप जानते हैं कि मैं हमेशा रैंडम शॉर्ट आउट सब्सक्राइबर में से ही लेता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल को भी प्रमोट किया जाए तो सब्सक्राइब नाउ। नंबर 3, रिसर्च के बिना ही शुरू कर देते हैं नए यूट्यूबर्स। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो R&D नहीं जानते कि R&D क्या होता है, R&D करना कितना जरूरी है। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि पहले रिसर्च करें फिर आप अप्लाई करें, डेवलप करें कि देखें मेरे लिए क्या जरूरी है, कौन सी चीज है, क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या है, हमें क्या करना है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, मैं कहां पे हूं, मैं कहां पे अपना लेवल लेके जाऊं। उसके लिए पहले रिसर्च करना होती है, रिसर्च करके फिर डेवलपमेंट करना होता है, अपने में सुधार करना होता है। लोग यूट्यूब से पैसा तो बहुत कमाना चाहते हैं लेकिन इसके लिए कोई भी प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते। वो बस कोई भी कैसी भी वीडियो पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं, वीडियो पे वीडियो, तारीख पे तारीख, अपलोड पे अपलोड, धनाधन लगे हैं, बस आंख बंद करके जुटे हैं, जा रहे हैं पता ही नहीं कहां, बिना जाने समझे कि यूट्यूब एल्गोरिथम कैसे काम करती है, और फिर प्रे करते रहते हैं कि वीडियो वायरल हो जाए और उम्मीद करते हैं कि लोग उनकी वीडियो देखेंगे, तभी वो फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं यहां आपकी हेल्प के लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है, यूट्यूब कोर्स।
आपकी मदद के लिए। और बहुत से तो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस और पॉलिसी भी नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी वीडियो और चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक और रीयूज कंटेंट आ जाता है, जिसकी वजह से उनका गेम ओवर हो जाता है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े चैनल मैंने देखे हैं जिनके घुस गए। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है यूट्यूब शुरू करने से पहले। नंबर फोर, एक नीच पे फोकस नहीं करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती। उन्हें किस पे फोकस करना होता है? वन, एक बार में सिर्फ और सिर्फ वन, एक नीच पे फोकस करना होता है। कितनी है ये? वन। यही नंबर वन गलती है जिसकी वजह से यूट्यूबर्स फेल हो जाते हैं। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक ही टॉपिक, एक ही नीच पे फोकस करें, बदल बदल के वीडियो में डाला कीजिए कि यार ये नहीं चल रही, लाओ दूसरी ट्राई कर लें, ये नहीं चल रही, लाओ तीसरी ट्राई कर लें, आज दूसरी डाली, कल तीसरी डाली, परसों दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी। यही गड़बड़ है, यही सबसे बड़ी गलती है। सिर्फ एक गलती अगर आप सुधार लें तो आपका चैनल बहुत तेजी में ग्रो करेगा। आपको सेम कंटेंट पे, सेम निच पे, बराबर उसी पे और लगातार काम करते रहना, टॉपिक नहीं चेंज करना हो, थीम नहीं चेंज करना हो। आपका जिस भी टॉपिक पे, गेमिंग पे है तो गेमिंग पे, रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं तो रिएक्शन वीडियोस से रिलेटेड डालिए, व्लॉग बनाते हैं तो व्लॉग से ही रिलेटेड वीडियोस पड़नी चाहिए आपके चैनल पे, एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट से ही रिलेटेड, उसी से रिलेटेड आपको काम करते रहना होता है। एक निश, एक ही निश आपको चुनना है, एक निश पे ही वर्क करते रहना है। आप देखिए ये चैनल है टॉप फाइव, जिनका निश देखिए क्या, इन्होंने टॉप फाइव कार्स, टॉप फाइव रिचेस्ट कंट्री, टॉप फाइव म्यूजिक, टॉप फाइव बेस्ट प्लेयर, इस तरीके से नहीं बनाई। इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने स्केरी बनाए हैं टॉप फाइव। टॉप फाइव स्केरी 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 इनका निच है। तो इसी से डरावनी वीडियो बनाई है, लेकिन टॉप फाइव उसी में है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और नंबर फाइव है कंसिस्टेंसी। लगातार वीडियो अपलोड नहीं करते हैं आप, एक दिन में तो 10 वीडियो अपलोड कर देते हैं और फिर 10 दिन तक गायब हो जाते हैं। नहीं, यूट्यूब एल्गोरिथम क्या कहता है कि आप एक दिन में एक वीडियो अपलोड करिए, लेकिन 10 दिन तक लगातार, या हफ्ते में एक दिन, या दो हफ्ते में एक दिन, है ना, महीने में एक बार, लेकिन लगातार आपको वीडियो अपलोड करना होता है। ये नहीं कि आपने एक दिन तो उठाई ठगुआ पर 10 दिन, अब भाई भूख लगी है तो किसी को तो आप एक दिन में ही सब खिला दो एक ही दिन में, नहीं, रोज खाना होता है, रोज उसे चाहिए थोड़ा 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 थोड़ा, डेली डेली दो रोटी तीन रोटी जो भी है। ये थोड़ा ना कि 20 रोटी एकदम से एक ही बार में खिला दी, भाई समझिए इसको, आपको डेली कंसिस्टेंसी की है, डेली अपलोड करना है। नहीं तो हफ्ते में करिए, दो दिन में करिए, तीन दिन में करिए, चार दिन में करिए, सेम टाइम और सेम डे। अगर वेंसडे को आप करते हैं तो वेंसडे को करिए, मंडे को करते हैं तो मंडे को करिए, संडे संडे वीडियो अपलोड करते हैं तो संडे संडे करिए, क्योंकि यहां पे आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाना बहुत जरूरी है अगर यूट्यूब में सक्सेस करना चाहते हैं। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है कि आज ही आए और आज ही यहाँ पैसा बना लेंगे आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।